अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube व्यूअर्स, तो आपका फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर। आज था हमारे सर का छुट्टी का दिन और वो ले जा रहे थे मुझे मंथली ग्रोसरी के लिए बर दुबई। हम पहुंच गए अल फाहिदी मॉल के नेस्टो में, जहां के सब चीजें काफी सस्ती मिलती है। वैसे तो दुबई में काफी बड़ी बड़ी हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट्स है, पर मैं ज्यादा प्रिफर करती हूँ नेस्टो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कारफोर ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उनकी काफ़ी चेन्स है और हर जगह है। हमारी कम्युनिटी में भी कारफोर है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली लगता है मुझे हर चीज़। इस वजह से मैं मंथली ग्रोसरी के लिए नेस्टो ही आती हूँ, और नेस्टो में आपको हर चीज़ मिल जाती है जो आप इंडियन चीज़ें भी अगर चाहते हो, कड़ी पत्ता, राई और धनिया वगैरह हर चीज़ मिल जाती है आपको। यहाँ तक कि बनाना लीव्स भी आपको मिल जाता है यहाँ पर। और इंडियन ग्रोसरी शॉप में जो आपको लोकल चीज़ें मिल जाती है, जैसे इमली, कोकम, लिज्जत पापड़ वगैरह, और हर चीज़ मिल जाती है आपको यहाँ पर। ऐसे नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि दुबई में ये नहीं मिलता होगा, वो नहीं मिलता होगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंडिया से इंपोर्ट होकर आती है, तो वो थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है हमें यहाँ के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर अगर आप तुरई देखोगे तो तुरई का प्राइस जो होता है वो 8 dirhams होता है, कभी 16 dirhams होता है, कभी 15 dirhams होता है। तो क्या हो जाता है अगर आप 15 dirhams से इंडिया का देखोगे तो ऑलमोस्ट 300 rupees kg हो जाती है तुरई। वो वैसे कॉस्टली चीज़ें पड़ जाती है, कुछ चीज़ें जो इंडिया से इंपोर्ट होकर आती है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको स्नैक्स वगैरह में भी हर चीज़, बनाना चिप्स, चिवड़ा, हल्दीराम्स की भी सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं स्लाइस केक के प्राइस बता रही हूँ, जो कि 1.25 AED है, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया का 25 rupees हो जाता है। तो 25 rupees के ये एक केक स्लाइस मिलता है। तो के हिसाब से देखा जाए तो 1 AED में हमें ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, ये सस्ता लगता है। और यहाँ के हाइपर मार्केट में आपको दिखेगी ऐसी सारी अप सेल्स में थिंग्स रखी हुई, जो कि काफ़ी सेल में रहती है। बाय 2 get 1 free, बाय 3 get 2 free, ऐसे सब ऑफर्स के साथ रहती है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है। तो आप इसे भी ले खरीद सकते हो। ये शायद एक्सपायरी डेट के काफ़ी करीब होती है, इसलिए ये लोग इसे सेल में डालते हैं, क्योंकि अक्सर चीज़ें जो सेल में होती है वो एक्सपायरी डेट के करीब होती है या थोड़ा बहुत उसमें डिफेक्ट होता है, इसीलिए वो सेल में जाती हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी शूटिंग कर ली, नेस्टो में मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो चलो आपको ऊपर के सेक्शन की भी थोड़ी सैर करा देती हूँ। हाइपर मार्केट आप तो सभी जानते होंगे कि हाइपर मार्केट उसे कहते हैं जहाँ वन रूफ के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक से लेके, ड्रेस मटेरियल से लेके, क्लॉथिंग से लेकर और यूटेंसिल्स वगैरह हर चीज़ मिल जाती है आपको। तो बिलिंग काउंटर पे चलते हैं और फिर यहाँ से निकल के करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। अच्छा, आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट में आपको कोई भी अरबी लोग नहीं दिखे थे, क्योंकि यहाँ पर अरबिक लोग आते ही नहीं है इंडियन प्लेसेस पे। ये इंडियन लोगों के लिए सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट्स बनाया हुआ है, नेस्टो है, लुलू है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको साउथ इंडियन लोग दिखेंगे, क्योंकि इनकी यहाँ की वैरायटीज ज़्यादा मिलती है। और बर दुबई में भी आप देखोगे आप बहुत एक या दो आपको अरबी लोग दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा इंडियन एरिया है। यहाँ पर जब आओगे तो आपको ऐसा लगेगा इंडियन वाली फीलिंग आएगी, खाने को लेकर, लोगों को देखकर आपको फील ही नहीं होगा कि आप दुबई में हो। और पाकिस्तानी लोगों को ये फील होता है कि वो पाकिस्तान में, उनको ये फील ही नहीं होता है कि वो दुबई में है। यहाँ की खासियत ये है। तो हम आ गए हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में, तर्नब अड्डा में। यहाँ पर आपको पाकिस्तानी फूड बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस मिल जाता है। हम लोग अक्सर यहाँ पर आके नली निहारी, पाया वगैरह खाते हैं, तो इनकी निहारी और पाये का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बा को, जिन्होंने ये आदतें डाले थे, पाया, कड़क पाऊँ, बॉम्बे वाले हैं ना हम लोग, ये सब खाते थे। तो मेरे शौहर ये आदत मेरी बरकरार रखते हुए मुझे बराबर लेकर आते हर वीकेंड और खिलाते हैं। तो चलिए आपसे लेती हूँ अलविदा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
गए अब्बा, गए अब्बा, देखना गए अब्बा गए। चाबी तो लो मम्मी।